Good morning students, this is chapter number 1, the best Christmas present in the world. So today we will study its remaining part. Yes, Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. So both are giving their introductions. So here this is Jim McPherson, he is saying that I am a captain. मैं एक कैप्टन हूँ एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू और तुम दोनों को क्रिसमस तुम्हें भी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस टू मीन्स होता है भी आई एम अ स्कूल टीचर मैं एक स्कूल टीचर हूँ फ्रॉम डॉरसेट इट मीन्स जिम मैकपर्सन इज सेइंग बता रहे हैं कि आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड बिकॉज जिम मैकपर्सन बिलोंग्ड टू इंग्लैंड नेक्स्ट इज आ डॉरसेट ही स्माइल यानी हैंस वॉल्फ ने स्माइल किया I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. मैं इस place को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. Hans Wolf ने कहा. I know. मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. We shared. हमने अपने rum ration यानी हमने जो wines की जो drinks थी हमने share की. And his excellent sausage. Sausage means eatable items. खाने की जो चीजें थी हमने share की. And we talked Connie. How we talked, हमने बात की कॉनी How we talked, हमने कैसे बात की So he spoke almost perfect English because he was a German soldier, but he almost spoke perfect English. वो perfect English बोलता था But it turned out that he had never set foot in Dorset, never ever been to England. बट इट टर्न आउट पता चला कि वो कभी डॉरसेट में उसने कदम भी नहीं रखा सेट फुट इन डॉरसेट में कभी पैर नहीं रखे नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड नहीं कभी इंग्लैंड आया ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल उसने ये सारा इंग्लैंड के बारे में स्कूल से सीखा था एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश और इंग्लिश की बुक्स पढ़ने से His favorite writer was Thomas Hardy. It means his किसके लिए आया है? Here his refers to Hans Wolf, who is a German soldier. His favorite writer था Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. और उसकी जो favorite book थी Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked to Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. Is वहां पे हमने नो मैंस लैंड में हमने बात की किसके बारे में बाथशेबा गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय और डॉरसेट के बारे में हमने ये सारी बातें की ही हैड अ वाइफ एंड वन सन यानी हैंस वॉल्फ के एक वाइफ है और वाइफ और एक सन मीस होता है बेटा है बॉर्न जस्ट सिक्स मंथ्स एगो हु इज बॉर्न जस्ट सिक्स मंथ्स एगो जो ही छह महीने पहले ही अभी उसका बर्थ हुआ है एज इट मीन्स उसके सन का बेटे का As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. जैसे ही मैंने देखा वहां पे huddles of khaki, कई सारे khaki की dresses और grey dresses पहने भीड़ थी. All over no man's land, उस no man's land पे उस border पे smoking, laughing, talking, drinking, eating, ये सब चीजें they were doing, ये सब काम कर रहे थे. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Hans Wolf और मैंने शेयर किया जो बचा हुआ था wonderful Christmas cake. Connie हमने ये सारा it means Jim McPherson describing to his wife Connie को बता रहे हैं He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसने सोचा जो marzipan है here marzipan is a sweet dish. इट मीन्स दिस इज लाइक अ केक उसने बताया कि मुझे मार्जिपन जो है बहुत ही पसंद है ही हैड एवर टेस्टेड जो उसने टेस्ट किया था कभी टेस्ट किया था आई एग्रीड वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग मैं भी एग्री हुआ बिकॉज ही ऑल्सो लाइकड मार्जिपन एंड ही एग्रीड अबाउट एवरीथिंग वो सब चीजों पे एग्री हो जाता था एंड ही वॉज माई एनिमी बट ही वॉज माई एनिमी मेरा दुश्मन था बिकॉज ही वॉज फ्रॉम एनिमी सोल्जर वो एनिमी सोल्जर था देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं थी कॉनी सो थैंक यू हैव अ नाइस डे वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट क्लास थैंक यू